हिंद जागरण में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मलेशिया के सुल्तान ने शुक्रवार को इस्माइल साबरी याकूब को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जिसके साथ ही देश में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहे राजनीतिक दल की फिर से वापसी हो गई। सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह ने कहा कि इस्माइल को 114 सांसदों का समर्थन यानी बहुमत हासिल है। उन्होंने कहा कि 61 वर्षीय इस्माइल शनिवार को मलेशिया के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इस्माइल इससे पहले मुहिद्दीन यासीन की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे। यासीन ने गठबंधन में अंतर्कलह के चलते बहुमत खोने के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वो 18 महीने से कम समय तक देश के प्रधानमंत्री रहे। ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार अब राज्यों को मिल गया है। राज्यों को ओबीसी आरक्षण सूची तैयार करने का अधिकार देने वाले 127वें संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति से हरी झंडी मिलते ही ये बिल अब कानून की शक्ल ले चुका है। बता दें कि मानसून सत्र के खत्म होने से ठीक पहले लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी इस बिल को मंजूरी मिल गई थी। इस बिल का पक्ष और विपक्ष दोनों ने समर्थन किया था। इस कानून के बनने से ओबीसी समुदाय को एक तरह से बड़ा तोहफा मिल गया है। अफगानिस्तान पर कब्जा जमा चुका तालिबान धीरे धीरे असली रंग में आ रहा है। उसके आतंकी अब आम लोगों पर अत्याचार करने के साथ ही विदेशी राजनयिक मिशनों को भी नुकसान पहुंचाने लगे हैं। तालिबान के आतंकी बुधवार को कंधार और हेरात प्रांत में खाली किए जा चुके इंडियन कॉन्सुलेट्स में घुस गए। उन्होंने वहां पर सरकारी कागजों और कंप्यूटर्स को खंगाला। इसके बाद वो कॉन्सुलेंट्स में खड़ी भारतीय गाड़ियों को अपने साथ ले गए। उन गाड़ियों को अपने साथ ले जाने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि उनमें से अधिकतर गाड़ियां बुलेट प्रूफ थीं। सूत्रों का कहना है कि तालिबान ने ये कार्रवाई पाकिस्तान के आईएसआई के निर्देश पर की। दरअसल आईएसआई तालिबान को अपने मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से सभी भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार की कोशिशें जारी हैं। भारतीयों को वतन वापसी लाने के लिए विशेष मिलिट्री विमान स्टैंड बाय पर है। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय के स्पेशल अफगानिस्तान सेल से 200 से अधिक भारतीयों ने अब तक संपर्क किया है। विदेश मंत्रालय का स्पेशल अफगानिस्तान सेल लोगों के संपर्क में है। हालांकि भारत की नजर कॉमर्शियल फ्लाइट की शुरुआत पर है, लेकिन अगर ये सेवा शुरू नहीं हुई तो स्पेशल मिलिट्री विमानों से भारतीयों को वापस लाने की तैयारी की जा रही है। भारतीयों को वापस लाने से जुड़ी विभिन्न औपचारिकताएं पूरी करने और अमेरिका से विमान के लिए स्लॉट मिलने के बाद भारतीयों को लाया जाएगा। विशेष विमान की पिछली 2 उड़ानों से भारतीयों की वापसी अमेरिकी मदद से ही हुई है। काबुल एयरपोर्ट अभी भी अमेरिकी फौज के कंट्रोल में है। अफगानिस्तान को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तालिबान को चेतावनी देते हुए अपने हर नागरिक को सुरक्षित बाहर निकालने का वायदा किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका की मदद करने वाले अफगानियों का भी ख्याल रखा जाएगा। राष्ट्रपति ने कहा कि हर एक अमेरिकी नागरिक जो अफगानिस्तान से वापसी चाहता है उसको वापस लाया जाएगा। साथ ही हम अफगान के लोगों को भी वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान में 20 साल तक जंग के दौरान हमारा साथ दिया।